Students, my name is Nathan Gupta, and I am your maths teacher. I welcome you all in the online classes of class seven. Today, in this video, we will discuss about integers. And before that, just take a look at the topics covered in this video. Topics to be covered: First is introduction. Second, what is integer? It is important to know what is integer. Third, integers or number line. In this topic, we will cover how to represent the numbers on number line. Next is properties of integer. We will discuss four properties here. First is closure property. Next is commutative property. Next is associative, and the other one is distributive property. Other than these properties, we will also discuss about existence of additive inverse and additive identity. Hello, my name is Nitin Gupta, and welcome to Nitin Gupta Classes. Keep learning, keep practicing. नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों ने क्लास सिक्स में नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं तो नंबर्स क्या होते हैं नंबर्स जनरली हम जो है काउंट करने के लिए यूज करते हैं तो नंबर्स के हम टाइप्स देख लेते हैं तो सबसे फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर जो काउंटिंग नंबर नंबर्स होते हैं उसको आप जो है नेचुरल नंबर कहते हैं ठीक है ये आप जनरली काउंट करने के लिए यूज करते हैं जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से लेके आपका इंफिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं ठीक है अब हम सेकंड नंबर देखते हैं तो सेकंड नंबर है आपका होल नंबर्स तो होल नंबर्स क्या होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स टूगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर ठीक है तो जीरो के साथ जो है आपके जितने नेचुरल नंबर हैं उनको साथ में क्या कहा जाता है होल नंबर कहा जाता है जैसे आपका नेचुरल नंबर है वन टू थ्री से लेके आपके इंफिनिटी तक तो अगर हम इसमें जीरो काउंट कर ले ठीक है जीरो एड कर ले तो वो आपका क्या कहलाता है होल नंबर कहलाता है तो ये आपका होल नंबर जीरो से स्टार्ट होगा जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स से लेके आपके इंफिनिटी तक ठीक है तो ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं होल नंबर अब हम देखते हैं इंटीजर्स तो इंटीजर्स क्या होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड इंटीजर्स तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं ठीक है और जीरो एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आप नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स नहीं कह सकते ठीक है क्योंकि आपके नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव में होते हैं वो सब जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे आपका नेचुरल नंबर हम जो है क्या होगा आपका वन टू थ्री फोर फाइव से लेके आपका इन्फिनी तक आपका नेचुरल नंबर होता है एंड क्या है आपका जीरो है तो आप जीरो ले लीजिए एंड आपका क्या है नेगेटिव काउंटिंग नंबर नेगेटिव काउंटिंग नंबर आपका क्या हो जाएगा माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू और माइनस वन ये सब क्या है आपका नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं ये आपका क्या होता है ये आपका होता है इंटीजर्स ठीक है तो इंटीजर्स क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स और जीरो आपस में साथ में अगर होते हैं तो ये आपके क्या कहलाते हैं इंटीजर्स कहलाते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखाई दे रही होंगी ये जो आपका होता है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है वन से लेकर फाइव की अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है पॉजिटिव इंटीजर ठीक है अब अगर हम माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है नेगेटिव इंटीजर अगर और अब बचा जीरो तो जीरो क्या होता है जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही आपका क्या है नेगेटिव इंटीजर्स है ठीक है तो आपका जीरो क्या होगा ये आपका कोई सा भी इंटीजर्स नहीं है जैसे मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स का एग्जांपल लिया वन टू थ्री फोर फाइव जो आपके पॉजिटिव है और नेगेटिव जैसे मैंने बताया माइनस फोर माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू और माइनस वन और जो आपका जीरो है वो आपका क्या है ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर्स है तो यहाँ हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा जो नंबर्स हैं आपके नेचुरल नंबर्स, नंबर्स होल और इन आर डेली लाइफ वेरियस वैल्यूज वेरियस नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स इन आर डेली लाइफ गेन और प्रॉफिट इंक्रीज Temperature above 0 degrees Celsius, above sea level, deposit and earning. All these types of values are represented by positive numbers or positive integers. And other, other than this, loss, decrease, temperature below 0 degrees Celsius, below sea level, and withdrawal and expenditure. All these values are represented by negative numbers or. नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन तो हम इंटीजर्स को यहाँ पे अब हम यहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे जिसको नंबर रे भी कहा जाता है तो किस तरीके से हम नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आप लोग पेंसिल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में एक जीरो मार्क करिए जिसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और उसी के जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसे नेगेटिव नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे मार्क करने के लिए आप लोग सेल की हेल्प लीजिएगा और इक्वल डिस्टेंस पे आप वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन नंबर्स लिख सकते हैं इक्वल इंटरवल्स होना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए आप स्केल का ज़रूर यूज़ करिएगा और ये सभी काम आपको पेंसिल की हेल्प से और शार्प पेंसिल की हेल्प से करना है लेफ्ट हैंड साइड में जैसे हमने आपको बताया नेगेटिव नंबर्स आएंगे नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री एंड नेगेटिव फोर आई होप आप लोगों ने इससे पहले भी ये सीखा होगा और यहाँ पर भी इक्वल इंटरवल्स हमें लेने हैं जिसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी दोनों ही तरफ नंबर्स बहुत लंबे जा सकते हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है इसलिए हम दोनों तरफ एरोज़ लगाएंगे एरो लगाने का मतलब होता है कि ये बहुत लंबे नंबर्स हैं मतलब ये इन्फिनी तक जा सकते हैं इसी तरीके से हमने यहाँ पर इनको लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है आगे की वीडियो के लिए आपको वही ऑडियो सुनाई देगी जो पहले फीमेल ऑडियो आपको सुनाई दे रही थी एडिशनस ऑफ इंटीजर्स तो इंटीजर्स के एडिशनस के क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हम देख लेते हैं तो सबसे पहला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशनस तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहता है सम सम ऑफ टू इंटीजर इंटीजर इज़ ऑलवेज एन सेंस अगर ऐड होता है ठीक है तो अगर हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमेशा जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा इंटीजर्स होंगे तो हम एग्जांपल देख लेते हैं जैसे ये आपका फाइव प्लस टू तो फाइव भी आपका प्लस में है और टू भी आपका प्लस में है ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा दोनों इंटीजर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा सेवन ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा ठीक है तो सेवन आपका क्या है ये इंटीजर है वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे थ्री प्लस और माइनस में सेवन है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमने जिसे पढ़ा था रूल्स में कि अगर हम टू डिफरेंट साइन वाले इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमेशा उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका फोर हो जाएगा और माइनस होगा क्यों क्योंकि सेवन जो है वो आपका ग्रेटर है ठीक है तो अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे दोनों के साइन क्या है सेम है ठीक है तो सेम साइन वाले क्या हो जाते हैं एड हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा आपका यह आपका हो जाएगा नाइन माइनस नाइन प्लस माइनस फोर्टीन फोर तो यह आपका क्या हो जाएगा माइनस थर्टी अब साइन आपका सेम कॉमन लगेगा ठीक है वैसे अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो ये भी आपका सेम सेम साइन है तो ये सेवनटीन हो जाएगा और साइन आपका माइनस लगेगा ठीक है कॉमन साइन लग जाएगा वैसे आप देखें तो इन दोनों के बीच डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हैं तो ये आपका डिफरेंस निकलेगा तो माइनस ट्वेल्व प्लस थ्री आपका क्या हो जाएगा नाइन ठीक है और ये आपका ग्रेटर है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा तो इस तरीके से जो है अगर हम टू इंटीजर्स को सम करते हैं तो हमेशा जो है क्या मिलेगा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा तो ये क्या है आपका ये आपका जो इंटीजर्स है इंटीजर का जो एडिशन है वो आपके क्लोजर प्रॉपर्टी को जो है फॉलो करता है ठीक है अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है इफ ए एंड बी आर एनी इंटीजर्स देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए ठीक है तो ये हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इस समझते हैं तो ये आपका एग्जाम्पल है ये माइनस फोर प्लस ए एट इक्वल टू एट प्लस माइनस फोर तो यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस फोर है ठीक है और बी की वैल्यू कितनी है एट है तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट साइन के इंटीजर्स हैं तो आपका क्या होगा डिफरेंस निकलेगा तो ये आपका हो जाएगा फोर ठीक है एट में फोर गया फोर पॉजिटिव आएगा क्यों क्योंकि एट आपका ग्रेटर है माइनस ये आपका देखेंगे ये भी आपका टू डिफरेंट इंटीजर्स है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा फोर और ये भी आपका किस में आएगा पॉजिटिव में क्योंकि एट क्या है ग्रेटर है तो इस तरीके से जो है ये आपका प्रूफ हो गया कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है यानी फोर इक्वल टू फोर है यानी आप कह सकते हैं कि माइनस फोर प्लस एट इक्वल है किसके एट प्लस फोर के ठीक है अब हम उसी तरीके से देखें देखें तो में देखें, दोनों के सेम साइन है ठीक है तो दोनों के सेम साइन है तो दोनों क्या हो गया दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा ट्वेल्व साइन आपका कॉमन लगेगा इक्वल टू यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ट्वेल्व आएगा और साइन आपका कॉमन लगेगा तो इस तरीके से देखें तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका इक्वल है यानी आप कह सकते हैं कि माइनस नाइन प्लस माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस नाइन तो ये आपका जो इंटीजर का जो एडिशन है वो आपका को क्या करता है कर तो ये आपके टू प्रॉपर्टीज हुए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें, तो थर्ड प्रॉपर्टी है आपका एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है तो ये लॉ क्या कहती है इफ ए बी सी आर एनी थ्री इंटीजर्स देन ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो एग्जाम्पल है आपका ब्रैकेट में आपका माइनस फाइव प्लस माइनस सेवन और ब्रैकेट क्लोज प्लस फोर इक्वल टू माइनस फाइव प्लस ब्रेकेट में आपका माइनस सेवन प्लस फोर तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपके सेम साइन है ठीक है तो सेम साइन है तो आपका एड होगा तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व कॉमन है दोनों का साइन तो माइनस लगेंगे ठीक है ये आपका ब्रैकेट में हो जाएगा प्लस अब इस साइड का सॉल्व करें तो माइनस फाइव पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ठीक है तो ये आपका हो जाएगा प्लस यहां पे पे डिफरेंट साइन है तो यहां पे दोनों के बीच में डिफरेंस होगा ठीक है तो सेवन में फोर आपका कितना हो जाएगा थ्री और ये माइनस में आएगा क्यों क्योंकि जो है सेवन जो है वो आपका ग्रेटर है ठीक है अब हम आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो डिफरेंट साइन है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एट जो आपका माइनस में आएगा क्योंकि ट्वेल्व आपका ग्रेटर है उसी तरीके से देखें ये दोनों सेम साइन है ठीक है तो दोनों को हम क्या करेंगे अगर दोनों के सेम साइन है नेगेटिव ये भी है नेगेटिव ये भी है तो ये आपका हो जाएगा एट और आपका कॉमन हो जाएगा ठीक है कॉमन साइन लगेगा तो इस तरीके से जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है ब्रैकेट में माइनस फाइव प्लस माइनस सेवन ब्रैकेट क्लोज प्लस फोर इक्वल टू माइनस फाइव प्लस ब्रैकेट में माइनस सेवन प्लस फोर आपका क्या है इक्वल है ठीक है तो ये आपका एसेसिटिव ला ऑफ एडिशन है अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटि आइडेंटिटी तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या है फॉर एनी इंटीजर्स ए तो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए तो हमेशा अगर हम किसी इंटीजर को जीरो के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा जो वैल्यू होती है वो आपका एक इंटीजर ही आपको मिलेगा ठीक है जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर हम सेवन को जीरो से ऐड करें तो हमेशा क्या मिलेगा आपको सेवन ही मिलेगा ठीक है सेवन प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सेवन इक्वल टू आपको सेवन ही मिलेगा तो आपका जीरो क्या है इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिफाई फॉर इंटीजर्स अगर आपकी आपकी वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो जैसे मैंने नेगेटिव का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे एट है ठीक है तो ये आपका क्या होगा अगर मैं नेगेटिव के साथ नेगेटिव इंटीजर के साथ भी अगर जीरो को ऐड करूँ तो माइनस एट ही आएगा ठीक है यहाँ भी आपका माइनस एट आएगा तो हमेशा चाहे वैल्यू कोई सी भी हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो अगर हम उसको जीरो के साथ ऐड करते हैं तो हमेशा आपको क्या है वही वैल्यू आपको मिलेगी तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ठीक है अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स तो ये क्या कहता है कि फॉर एनी इंटीजर ए चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है जीरो आती है यानी अगर आप किसी इंटीजर के इन्वर्स को उसके साथ ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आती है जैसे अगर मैं ए प्लस माइनस ए यानी ए का जो ए का इन्वर्स क्या है माइनस ए है उसी प्रकार माइनस ए का इनवर्स क्या है प्लस ए है तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो उसका हमेशा वैल्यू क्या आएगा जीरो आएगा जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि ब्रैकेट में माइनस फाइव इक्वल टू क्या होगा आपका जीरो ही होगा ठीक है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज माइनस ए एंड माइनस ए इज ए यानी मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था अगर आप सिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो माइनस सिक्स होगा और माइनस माइनस सिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो आपका प्लस सिक्स होगा तो इस तरीके से जो है कि अगर आप किसी इंटीजर के इन्वर्स को उसके साथ ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है जीरो आती है जैसे अगर मैं सिक्स के इन्वर्स यानी माइनस सिक्स के साथ सिक्स को ऐड करूंगी तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स